ट्रंप किम की शिखर वार्ता शुरू, निरस्त्रीकरण एक टेढ़ा मसला है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि एक आणविक देश के रूप में ईरान की तुलना में उत्तरी कोरिया की स्थिति कहीं ज्यादा जटिल है, इसलिए वह उत्तरी कोरिया से आणविक हथियारों को नष्ट किए जाने की मांग की बजाय उन्हें कम कर उनके परीक्षण पर रोक लगाए जाने की गारंटी पर भी तैयार हो सकते हैं। उत्तरी कोरियाई शासक किम जोंग उन और ट्रंप के बीच यहां दो दिवसीय दूसरी शिखर वार्ता शुरू हो चुकी है। किम जोंग उन अपनी बहन और सलाहकार के साथ बुलेट प्रूफ ट्रेन से उतरी और चीनी सीमा डांग डांग से होते हुए ढाई दिन के बाद मंगलवार की सुबह पहुंच गए थे, जबकि ट्रंप अपने विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के साथ मंगलवार की सांय पहुंचे। ट्रंप ने बुधवार को वियतनाम के प्रधानमंत्री नगुएं क्षुआं फक और राष्ट्रपति नगुएं फू टरोंग से दोपहर के भोजन पर बातचीत की तथा कुछ व्यापारिक समझौतों को अंजाम दिया। इनमें मुख्य बोइंग विमान की खरीद फरोख्त का एक समझौता शामिल है। वियतनाम के प्रधानमंत्री ने कहा कि वे ट्रंप और किम की शिखर वार्ता की सफलता की कामना करते हैं और इसके लिए उन्होंने भरसक बेहतरीन बंदोबस्त किए हैं। आणविक हथियारों के विश्लेषकों का मत है कि उत्तरी कोरिया के पास 30 से अधिक आणविक हथियार और इतनी ही आणविक हथियारों से सुसज्जित लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जो अमेरिका तक पहुंच सकती हैं। इन आणविक हथियारों और मिसाइल को उत्तरी कोरिया कभी भी अपने से अलग नहीं करना चाहेगा। इसका संकेत अमेरिकी खुफिया एजेंसी के निदेशक डेन कोट्स अपनी सालाना रिपोर्ट में दे चुके हैं और ट्रंप से खरी खोटी भी सुन चुके हैं। बताया जाता है कि शिखर वार्ता गुरुवार को जैसे ही खत्म होगी, एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका खुलासा किए जाने की संभावना है।